उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां रामकोला थाना क्षेत्र के सपहा दहाउर टोले के दलित बस्ती में 20 घरों में मकान बिकाऊ होने का पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दलित बस्ती में रहने वाले लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि के उत्पीड़न से तंग आकर मकान बेचने की बात बताई है। वही चस्पा पोस्टर पर दो समुदायों के मामला सामने आने पर देर रात पुलिस फोर्स गांव में पहुंचकर जांच की और पोस्टर फाड़ दिए। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कुशीनगर ASP रितेश कुमार सिंह भी गांव पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने प्रधान पर आरोप लगाया है कि अनुसूचित जाति की आबादी की भूमि पर प्रधान प्रतिनिधि ने जबरन पानी की टंकी बनवाने का प्रस्ताव तैयार करा दिया है, जिसका विरोध जताने पर प्रधान प्रतिनिधि ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और प्रधान प्रतिनिधि ने उत्पीड़न से तंग आकर ही लोगों ने मकान बेचने का फैसला लिया है। यहाँ का ग्राम प्रधान पति महफूज खान के द्वारा जो पानी की टंकी के बनवाने के संदर्भ में जो हम लोग गए थे तहसील दिवस पर कप्तानगंज, अभी उसी के मतलब संदर्भ में हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ प्रधान के द्वारा पुलिस के प्रशासन को लोग रात में दिन में आकर धमकी दे रहे हैं। बहन बेटियों का आबरू सुरक्षित नहीं है और जो महिला मेरी औरत का देहांत 22/12/2016 को हो गया था उसके नाम से भी 107 का नोटिस आया हुआ है। नहीं और उत्पीड़न क्या कर रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं या किसी की क्या कर रहे हैं? मारने के और पीटने के और जेल भेजने के पुलिस के लोग आकर के धमकी दे रहे हैं कि रात को हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं लोग कि 1-1 लाख रुपया अगर तुम लोगों का जुर्माना लगेगा। प्रधान आ रहा है और रात में दिन में घूम रहा है और उसकी नज़र बुरी नज़र रख रहा है, वो कसम खा लिया है कि नहीं जब ये पानी की टंकी बनी हुई यही बनेगी, जबकि दूसरा भूमि 10 कट्ठा है उसमें उसका रिश्तेदार 10 साल ये हरजन आबादी है, सुरक्षित भूमि है। 41 और 45 में हरजन आबादी है, सुरक्षित भूमि दिखा रहा है और जबकि एक अराजी नंबर 6 है 10 कट्ठा उसका रिश्तेदार। जमीन के अतिरिक्त और क्या क्या प्रधान उत्पीड़न करता है, कर रहा है? बहुत उत्पीड़न कर रहा है, यहाँ से खदेड़ने के रास्ते जान से मारने के लोगों को धमकी दे रहा है कि जेल भेजवा देंगे, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है जिससे हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपना मकान बेचकर किसी सुरक्षित स्थान पर हम लोग करें। बहु बेटियों के साथ भी कुछ? हाँ बुरी नज़र रख रहा है, बहन बेटियाँ रात को अपने घर सो नहीं पा रही हैं। क्या कर रहा है? पुलिस को लोग आकर रात में धमकी दे रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं लोग और ग्राम प्रधान भी उसी में। पुलिस के लोग आ रहे हैं कि प्रधान आ रहे हैं? प्रधान और पुलिस के लोग भी आ रहे हैं, लोग रात में धमकी दे रहे हैं, दिन में कई बार उन लोगों का राउंड चल रहा है। सर हमारा ये हरजन आबादी है जो 35-40 साल से कब्जा है, इसमें हमारा झोपड़ी था, भूसा सब रखा गया था, इसमें हर एक चीज़ था। प्रधान और लेखपाल द्वारा झोपड़ी को उजाड़ दिया गया और रात में 2 बजे रात हो या 3 बजे कोई भी रात हो एक भी आदमी को सोने पुलिस नहीं दे रहा। आ रहे गौरव सर जो हैं पुलिस चौकी इंचार्ज, उन्होंने धमकी दें औरतों को डंटे से खोद रहे हैं, गाली गलौजा कर रहे हैं और कोई हम लोग आगे तक कंप्लेन की, हमारा सुनवाई कोई एक तरफा प्रधान के पक्ष में जा रहा है और प्रधान जो चाह रहा है वो कर रहा है। प्रधान बोल रहा है कि हम इस पर पानी की टंकी बनवा के दम लेंगे चाहे कुछ भी हो जाएगा। जी सर, प्रधान धमकी दिलवा लड़कों के, लड़कों भेज मरवा देंगे, कर देंगे, तुम लोगों को रहने नहीं देंगे, हम मुसलमान प्रधान है ये है वो, धमकी दे रहा सर हमको। ग्राम सभा के प्रधान महफूज खान आबादी के लेकर के और हम लोगों को गांव में आकर के भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और हम लोगों को उजाड़ने पजाड़ने पर लगे हुए हैं और उसके बाद एक अंसारी आबिद अंसारी हैं, आभास अंसारी हैं, अब दूसरे के मोबाइल पर थी फ़ोटो लगा करके बच्चों को मारने के लिए धमका रहे हैं कि जान से मार डाल दीजिए। हम लोगों के मतलब थी है पोस्टर, इसीलिए क्या अत्याचार कर रहे हैं आप लोग के, क्या गाली वाली मतलब आते हैं तो गाली वाली दिलवाते हैं और हम लोगों को उजाड़ते पजाड़ते हैं, इसीलिए हम लोगों को बहुत पीड़ित हैं हम लोग, इसलिए हम लोग गाँव छोड़ करके भागना चाहते हैं। काहे लिए, कोई अपना घर क्यों छोड़ेगा? मान लीजिए कि जब नहीं रहने देंगे तो क्या करेंगे, हम लोग मजबूर हैं। पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन आती है तुनी के तरफ से मतलब हम लोगों को दबाव डालती है। रात पुलिस आई थी क्या, उन्होंने कहा पुलिस के अधिकारी गांव में आए थे रात को, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो उन्होंने कहा है कि मतलब आप लोग शांतिपूर्वक बनाए रखिए, हम लोग आपको मदद करेंगे, यही कहे हैं। तो अभी तक मदद मिली? अभी तक कुछ मदद नहीं मिली। क्या नाम है?
तो प्राइमा फेसी अभी ये पानी की टंकी जो हर घर नल योजना है उसके अंतर्गत सेलेक्ट की गई थी। अब इसको हमने एडिशनल सामने देख लिया है, अब इसके विकल्प हम तलाश रहे हैं कि कहाँ सूटेबल होगा, और फिलहाल इस योजना को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। तो आखिर पोस्टर लगाने के लिए मजबूर क्यों गाँव वाले हो गए, क्या आपके अधिकारी कर रहे थे यहाँ क्यों? अब ये अभी जो मेरी बातचीत में समझ में आया कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं कि जिनको इससे योजना से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपना जो है पॉलिटिकल हित देख करके ये इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। सर, प्रधान प्रतिनिधि पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है, दबंगई का आरोप लगाया है, इसकी हम अलग से जांच कराएंगे। ये जो आप इशू बता रहे हैं इसकी जांच अलग से कराएंगे।